बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भुसवल निवासी जितेंद्र हरिजन की 32 वर्षीय पत्नी राजकुमारी का शव गांव के बाहर करमहा नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मुकामी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ बांसगांव नितेश सिंह व प्रभारी कोतवाल जगत नारायण सिंह, एसएसआई राजीव सिंह, जयराम सिंह, हेड कांस्टेबल राम अवध यादव, कांस्टेबल पवन यादव, अनिल सिंह व अन्य पुलिसकर्मी आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही ग्रामीण उग्र हो गए और शव को घेरकर हंगामा करने लगे, जिस पर सीओ नितेश सिंह ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया। इस मौके पर परिजनों ने इस घटना के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया और मृतिका को मारने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसके बाद प्रभारी कोतवाल जगत नारायण मय फोर्स के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया। पुलिस एक काम से छुट्टी पाएगी तब ना दूसरा करेगी। हम पकड़ देंगे, हमारी जिम्मेदारी दे चुके। हम भी दूर से आ रहे हैं, अपने हमारी लड़कियों है, हम घर वहाँ से सुने तो हम लोग भाग भाग कर आ रहे हैं। मुजिम कहाँ आपको यहाँ लग रहा है, यहाँ घर पे है नहीं है क्या? पुलिस सरसों पार भी हम लोग दबिश दे चुके, वही रहता है ना, नहीं है नया मकान बन रहा है वहाँ दबिश दे दिया। देखिए लेट करेंगे तो आपको नुकसान है। आप बताए सीडीआर भेजे हैं, सीडीआर भेजे हैं ना, कल डिटेल भी नहीं निकला, बोले 1 घंटे के अंदर निकल जाएगा। कहाँ आप वहीं पर बोले हैं, करीब हमको 2-3 घंटे आए, 1 घंटे मिल जाता है तो निकलते निकलेगा। 1 घंटे आप बोले हैं ना करीब। ये थाना बांसगांव का भुसवल खुर्द गांव है, वहाँ आज अपराहन में एक सूचना मिली है कि राजकुमारी देवी नाम की महिला की हत्या कर दी गई है और शव खेतों की तरफ नाले में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची, तत्काल मौके से शव को कब्जे में लिया गया, मृतका का मोबाइल फ़ोन भी वहीं नाले में मिल गया। उसके पति ने गांव के एक व्यक्ति को नामजद करते हुए मुकदमा लिखाया है, प्रयास करके जिसे उन्होंने नामजद किया है वो पुलिस हिरासत में आ चुका है, लेकिन नशे में धुत है। पूरे घटनाक्रम पे जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ करके, मुखबिरों से जानकारी करके, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सारे तथ्यों को अनावरित करते हुए साक्ष्य के क्रम में आगे गिरफ्तारी और विवेचना की कार्यवाही की जाएगी और माननीय न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा।